बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तलबा अजीज़, इस 10वीं क्लास के समाजी साइंस के ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम समाजी साइंस का जमात 10वीं जो आपका सवालिया पर्चा होता है उसके मुताबिक मुतालिक सवालात की तैयारी करेंगे, जिसमें हम आज सेक्शन ए में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं उन सवालात का मुताला करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका सेक्शन ए में सबसे पहले योग्य जोड़ का जोड़ इस तरह का सवाल होता है, तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ये जोड़िया दिया गया है और ब, जिसमें एक तरफ चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर एक पर है तराई ना जंगल हो, तो उसका सही जवाब है हिमालय। तराई के जो जंगल है वो हिमालय में पाए जाते हैं। नंबर दो नदी, तो नदी को लोक माता के नाम से जानते, नदी में भारत के लोग उसको लोक माता के नाम से जानते नदी को। उसके बाद एशियाई सिंह, तो उसका सही जवाब है डी गिरनार के जंगल। एशियाई सिंह जो है वो गिरनार के जंगलों में पाए जाते हैं। चौथा है रणछोड़ राय मंदिर कहाँ पर है, तो इसका जवाब ए है जिसमें लिखा है खेड़ा जिले में। उसके बाद जोड़िया नंबर दो, एक तरफ स्थल यानी जगह दी गई है और दूसरी तरफ मेले यानी कौन सा मेला कौन से ज़िले में होता है भरता है, तो नंबर एक पर है अंबाजी। तो अंबाजी में जो है उसका जो सही जवाब है बी, अंबाजी में भादरव पूनम का मेला भरता है। उसके बाद नंबर दो गिरनार, तो गिरनार का सही जवाब है ई, जहाँ पर भवनाथ मेड़ो यानी भवनाथ का मेला हम गिरनार में भराता है। उसके बाद नंबर तीन धोड़का, तो धोड़का का जो सही जवाब है ना वो ए है वोठानो मेड़ो, धोड़का में वोठा का मेड़ा भराता है। उसके बाद चौथा आहवा, तो आहवा का सही जवाब है सी यानी डांग दरबार नो मेड़ो। उसी तरह तीसरा जोड़िया है, नंबर एक है नेग्रिटो, तो नेग्रिटो का सही जवाब है सी यानी भारत ना सौती प्राचीन निवासी हो, है ना, भारत की सबसे पुरानी जो जाति है वो नेग्रिटो है। उसके बाद नंबर दो ऑस्ट्रेलोइड, तो ऑस्ट्रेलोइड का सही जवाब है ए निषाद। नंबर तीन है आर्यो, आर्यो का सही जवाब है ई ऑप्शन ई जिसमें लिखा है प्रकृति प्रेम। चौथा है मंगोलोइड, उसका सही जवाब है बी किरात। उसके बाद है जोड़िया नंबर चार आर्यो, आर्यो का सही जवाब है डी नॉर्डिक। उसके बाद है द्राविडो, द्राविडो का सही जवाब है ऑप्शन ए मातृमुल्क कुटुंब प्रथा। नंबर तीन पे नेग्रिटो, नेग्रिटो का सही जवाब है ऑप्शन बी हप्सियो, है ना, सिद्धि बादशाह हप्सियो। उसके बाद नंबर चार ऑस्ट्रेलोइड, उसका सही जवाब है ई अग्नि एशिया माथी आगमन। उसके बाद आपके आते के योग्य विकल्प पसंद करिए उत्तर लखो, सही विकल्प आपको पसंद करके उसका जवाब देना होता है। तो पहला सवाल है भारतीय संस्कृति कई नदीना किनारे विकसी हती, तो उसका ऑप्शन बी सही है सिंधु अने रावी नदी किनारे। नंबर दो है लोक माता शब्द कोना माटे उपयोग में लेवाय छे, तो उसका ऑप्शन सी नदियों माटे। हमने जोड़िया में भी ये पढ़ा कि नदी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, तो लोक माता, यहाँ पर भी वही सवाल घुमा के पूछा गया है कि लोक माता शब्द कोना माटे उपयोग में लेवाय छे, तो नदियों माटे ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद है नंबर तीन भारतनी प्रजा अति प्राचीन युग थी पर्यावरण प्रेमी रही छे तेनी साक्षी छे परजानो, तो उसका सही जवाब है डी वृक्ष प्रेमी, है ना, दरख्तों से प्यार। सवाल नंबर चार है गुजरात में थी मड़ी आवेलू हड़प्पीय संस्कृति नु महत्वनु नगर धोड़ावीरा कया जिला में आवेलू छे, तो धोड़ावीरा जो है जो संस्कृति आश्रय कदीमा का हड़प्पा आश्रय कदीमा का जो शहर है तो वो कौन से ज़िले में आया है, तो उसका सही जवाब है ए कच्छ ज़िले में।
सवाल नंबर 5, भारतीय संस्कृति अने सभ्यताना विकासमां कई परजानो फाळो विशिष्ट छे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलॉइड। सवाल नंबर 6, रंगे श्याम 4-5 फूट ऊंचा अने वाकड़िया वाळ धरावता जे प्रजा प्राचीन भारत में आवी हती ते कई प्रजा छे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेग्रिटो अथवा निग्रो हप्सी हप्सियो प्रजा हती। सवाल नंबर 8, पीळो वर्ण चपटो चेहरो उपसेला गाल अने बदाम आकारनी आँखों धरावती जे प्राचीन भारत में आवी हती ते कई प्रजा छे? तो ते इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगोलोइड प्रजा हती, है ना। मंगोलोइड जो थे इनका जो चेहरा था चपटा चेहरा और उसके गाल ऐसे ऊपर उभरे हुए गाल बादामी आकार की आंखें ये सब चीज़ें उनके लक्षण थे, तो वो प्रजा है मंगोलोइड। सवाल नंबर 9, भारत में आवेली कई तरण जातियों एक समान भौतिक गुणों धरावे छे? भारत में आवेली कई तरण जातियों एक समान भौतिक गुणों धरावे छे? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, अल्पाइन डिनारिक और आर्मेनोइड। इसके बाद सवाल नंबर 10, नीचे आपेला चित्र कई संस्कृति नी याद अपावे छे? ये तस्वीर जो है ये कौन सी सकाफत की याद दिलाती है? तो इसका सही जवाब है बी, सिंधु खीणनी, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 11, केटलाक इतिहासकारों मते कई प्रजा भारत नी सौथी प्राचीन निवासी छे? तारीख दा के मुताबिक सबसे कदीम जो जाति है वो कौन सी है भारत की? तो वो है, इसका ऑप्शन है नेग्रिटो। इसके बाद है सवाल नंबर 12, अपना बंधारण नी कई कलम मा भारत ना सांस्कृतिक वारसा ना जतन माटे नागरिक नी मूलभूत फरजो दर्शावी छे? तो उसका ऑप्शन ए है, कलम 51 क में, है ना। बंधारण जो हमारी जो सकाफत है आसर कदीमा की जो भी हमारी तारीखी चीज़ें हैं उसके तहफ़ के लिए मूलभूत फर्जों के अंदर कलम 51 क में उसका जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 13 है, अन्य समकालीन प्रजाकर्ता वधु विकसित प्रजा कई हती? अन्य समकालीन प्रजाकर्ता वधु विकसित प्रजा कई हती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यो, उसको नॉर्डिक भी कहते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 14, नीचे नाम थी एक जोड़कू खरू नथी ते शोधी ने उत्तर लखो, यानी चार जो जोड़िया दिए गए हैं जोड़, उसमें से एक जो जोड़ है वो सही नहीं है, तो जो सबसे ऊपर का है ऑप्शन है वो जोड़ सही नहीं है, गौरव वर्ण बदामी आँखों द्रविड द्रविडो ये सही नहीं है, है ना, ये नेग्रिटो के इसका जवाब आता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, है ना, गौरव वर्ण बदामी आँखों ये द्रविड़ लोगों की निशानी नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 15, नीचे ना जोड़ का लक्ष्मण लई आपेला विकल्प पैकी साचो विकल्प पसंद करो, ये जोड़िया दिया गया है, तो इसका सही जोड़िया का जो जवाब है वो ऑप्शन सी है, यानी आपरी का, तो इसका आपरी का जो है उसका डी ऑप्शन सही है कि भाई निग्रो और निग्रिटो अपसी ये अफ्रीका के रहवासी, अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद अग्नि एशिया का इधर ऑप्शन सी सही है, निषाद। उसके बाद है नंबर 3, मध्य एशिया, तो उसका ऑप्शन बी सही है, डिनारिक। उसके बाद है उत्तर पश्चिम चीन, तो उसका ऑप्शन ए सही है, किरात। तो अजीज़ तलबा तालबात, ये सेक्शन ए के सवालात थे, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इसको अच्छे से याद करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की परेशानी ना हो, या आपको अपनी नोटबुक में लिखे हो और अच्छे से इसको याद करो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके बाद के सवालात का मुताला हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।